फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ, फटाफट खोल के दिखाओ। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? दोस्तों इंट्रो देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं अभिनेता से नेता बने बीजेपी के माननीय सांसद मनोज तिवारी जी की। वैसे अभी जो आपने इनका गाना सुना वो तो तिवारी जी की कलाकारी का एक छोटा सा नमूना है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और मधुर संगीत की झलक देखते हैं। कनवा में सोभे बाली जुड़ा पे लगा के जाली, हमका ठीक है कि बोले चाल चले ली मत वाली बगल वाली जान मारे, बगल वाली जान मारे। क्या बात क्या बात क्या बात, हमारी आने वाली पीढ़ियां तिवारी जी का ये डांस स्टेप कई सालों तक नहीं भूल सकेंगी। मैं कहता हूं आप एक बार फिर से देखिए। बगल वाली जान मारे री, बगल वाली जान मारे री। और एक लाइक दे दो बस, उसके बाद देखो मेरा रूप। आपको बता दूं कि आदरणीय मनोज तिवारी जी दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और दिल्ली चुनावों के टाइम पर इनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने बड़े मजे लिए थे। हो सकता है कि आपने ही वो वीडियो देखा भी हो, लेकिन एक बार फिर से देखिए। मनोज तिवारी जी गाना बहुत अच्छा गाते हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो, नाचते भी अच्छा है, समझ रहे हो ना। मैंने अभी अभी एक आपने देखा उनके नाच का एक वीडियो चल रहा है, वो बियर की बॉटल ली हुई है। बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम, बेबी बियर पी के नाचे लगली चमक चमक चम। नहीं तो क्या वो सीएम इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि वो नाचना गाना जानता है? मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सबको उनका वो रिंकिया के पापा सुनना चाहिए, अच्छा गाना है, मैंने मना नहीं किया, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। वो डांस भी अच्छा करते हैं, नाचते भी अच्छा हैं, मैंने मना कब किया। अब केजरीवाल साहब की इस बात को तिवारी जी ने दिल पर ले लिया और एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते समय तिवारी जी रो पड़े और बोले कि ये गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या लगता है ये आपकी उस सामान्य स्थिति का मजाक उड़ाया जा रहा है जो आपने तकलीफ झेली? नहीं नहीं नहीं, ये लोग गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कला का मजाक उड़ा रहे हैं। फिर मेरे इंटरनेट पर चुनाव आयोग और दूसरी वेबसाइट्स पर जाकर तिवारी जी की गरीबी के बारे में खोजबीन की तो मुझे गरीबी के कुछ अलग ही रिजल्ट देखने को मिले, जो आप भी देखिए। वर्ष 2014 में माननीय मनोज तिवारी जी की कुल संपत्ति 19 करोड़ रुपए से ऊपर थी, जो कि 5 साल बाद साल 2019 में बढ़कर 24 करोड़ रुपए से ऊपर हो गई। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को दिए गए एफिडेविट के अनुसार तिवारी जी के पास 5 लग्जरी कारें हैं जिनमें ऑडी Q7, मर्सिडीज बेंज, फॉर्चूनर, इनोवा और होंडा सिटी जैसी कारें शामिल है। लेकिन फिर भी मैं गरीब हूँ। जब बात राजनीति की चल ही रही है तो मैं आपको मनोज तिवारी जी का एक और दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। एक बार तिवारी जी दिल्ली नगर निगम के किसी स्कूल में चल रहे एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे तो उस स्कूल की एक टीचर ने तिवारी जी से गाना सुनाने की रिक्वेस्ट कर डाली। इस पर तिवारी जी भड़क गए और उस टीचर को डांटते हुए बोले कि तुम्हें तमीज नहीं है कि एक सांसद के साथ कैसे बात की जाती है। आपको ये कहना चाहिए क्या? आप नौटंकी कर रहे हो कि ये कोई मजाक नहीं कर रहे हैं? आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ, ये तमीज है आपकी? जब इतने से भी तिवारी जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में उस टीचर को मंच से नीचे उतरने का फरमान सुना दिया और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दे दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है, कहानी अभी और भी बाकी है। चलिए आप नीचे बैठिए, चलिए आप मंच से नीचे जाइए, इन पे कार्रवाई करो, ठीक है? इसको बिल्कुल नहीं क्षमा किया जाना चाहिए। जब इतने इनको पता नहीं है कि सांसद से कैसे बात करते हैं तो छात्रों से कैसे बात करेंगे। चलो आप जाके बैठो नीचे। लगावे काशी कमरिया
देख रहा है विनोद कि गाने की रिक्वेस्ट करने वाली टीचर को डांटने वाले आदरणीय तिवारी जी किस तरह से हीरो अनुष्का शर्मा के सामने घुटनों के बल बैठकर गाना गा रहे हैं। कुछ शर्म आया है? मतलब नहीं पता। मतलब ये है कि कहां एक साधारण सी स्कूल टीचर और कहां एक बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा, तो मैटर बदल गया और मामला पलट गया। तो मैटर बदल गया, पलट गया, बहक गया। अच्छा आप सब लोग बाइक या कार तो जरूर ही चलाते होंगे, तो आपको ये भी पता होगा कि आज पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर हैं और किसी किसी शहर में तो 109 या 110 रुपए के लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिक रहा है। लेकिन हमारे माननीय मनोज तिवारी जी ने 2014 से पहले पेट्रोल के बारे में जो कुछ बोला था वो एक बार आप सुन लीजिए। देखिए, महंगाई के लिए डीजल पेट्रोल के जो दाम हैं इसको बढ़ा दिए जाते हैं। आसपास के देशों में देखिए तो कितने सस्ते हैं। टाइम पे नहीं बढ़ेंगे दाम? बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। कैसे घटेंगे? घटेंगे, घटाएंगे हम लोग। फिर क्या हुआ? देखिए, पेट्रोल डीजल की जहाँ तक बात है तो वो बार बार चर्चा करके इसी बिंदु पे आते हैं ना कि हमारे देश में जितना उपयोगिता है, जितनी जरूरत है पेट्रोल डीजल पदार्थों की, उसका 20% हमारा देश उत्पादन करता है। हम इधर एथेनॉल के प्रयोग से एक बड़ी भारी सफलता हासिल किए हैं, लेकिन फिर भी अभी हम 70% दूसरों पे निर्भर हैं। तो मैटर बदल गया, मिला पलट गया। और अब हम सम्माननीय तिवारी जी के एक बहुत ही रोमांटिक, लग्जरियस और भाव विभोर करने वाले गीत पर नजर डालते हैं। इस गीत के बोल हैं फॉर्म वाला गद्दा। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब अगर तिवारी जी की इस वीडियो को गलती से भी अमित शाह जी ने देख लिया तो उनका रिएक्शन कुछ इस तरह होगा। अबे अपने क्षेत्र में जा, थोड़ा मोटिवेशन दो लोगों को। और कल रात थे सिनेमा देखने गए थे। तुमसे ना हो पाएगा, मैं तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। तो मित्रों, मैटर तो अभी बहुत सारा बाकी है, लेकिन वीडियो फिर से बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आज का ये चित्रपट कार्यक्रम संगीत यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा मैटर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी वाले बटन पर भी क्लिक कीजिए। तो करना तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।